अपडेटेड टेबल है, 23, 25, है इस पॉइंट का इंडिया अभी भी नंबर पे विराजमान है लेकिन आपकी विनिंग परसेंटेज ड्रॉप हो गई है पे राइट ऑस्ट्रेलिया इज ऑलमोस्ट इक्वल टू यू विनिंग परसेंटेज है श्रीलंका uh, न्यूजीलैंड यहां पर डेंजरस साउथ अफ्रीका बांग्लादेश को बांग्लादेश में हरा रही है नेक्स्ट पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका जाना है राइट hmm. right? जहां पे पाकिस्तान ने दो या तीन दो दो टेस्ट मैच खेलने hmm. और उसके बाद अल्टीमेटली hmm. श्रीलंका श्रीलंका का चैलेंज है साउथ अफ्रीका को साउथ hmm. अफ्रीका आपकी विनिंग परसेंटेज से ऊपर आ सकता है आराम से और क्योंकि इंडिया वर्सेज ऑस्ट्रेलिया है राइट साउथ अफ्रीका अगर ऊपर आ गया वो इन दोनों में से एक की वेट करेगा hmm. या तो वो इंडिया की वेट करेगा या ऑस्ट्रेलिया की वेट करेगा भाई वे आप खुद सोचिए साउथ अफ्रीका ने खेला है बांग्लादेश से वो पहला टेस्ट मैच आराम से हरा दिया बांग्लादेश को राइट वो वहां पे टेस्ट मैचेस जीत रहे हैं अपने घर पे जाएंगे वो पाकिस्तान से अपने घर पे नहीं आ हरेंगे भाई पाकिस्तानी गड्ढे बना के जीत सकता है स्पिनिंग ट्रैक वहां पे फास्ट ट्रैक पे उनसे बैटिंग नहीं होने वाली नहीं। वो कोई नहीं जीत रही टेस्ट मैच वो साउथ अफ्रीका में वहां पर साउथ अफ्रीका और रबाडा जिस तरीके की बॉलिंग कर रहा है ना आई थिंक उनकी जान ही बच जाए तो बहुत बड़ी बात है पाकिस्तान होगी एंड उसके बाद श्रीलंका का भी अगर साउथ अफ्रीका को दिखेगा कि हम फाइनल पहुंच सकते हैं वो श्रीलंका वाला चैलेंज भी भी हेड ऑन लेके दो टेस्ट मैचेस साउथ अफ्रीका में, में, में ही है।, है तो वो भी साउथ अफ्रीका छोड़ने नहीं वाला उनके लिए सबसे मेन यही था कि बांग्लादेश में जीत सकते कि नहीं वो जीत रहे तो एक जगह से साउथ अफ्रीका कैन मेक अ क्लेम टू द थ्रोन कि वो आगे आके कोशिश कर सकते हैं कि हम फाइनल में आ जाए जहां तक बात है इंडिया की देखो आपके पास एक टेस्ट मैच बचा न्यूजीलैंड वाला हाँ जी तीसरा जीते हुआ मुझे तो तो मुझे जीत नहीं नजर आ रही मैं ऑनेस्टली बता रहा हूं जिस तरीके से आप अभी तक खेले हो और जिस तरीके से मोर ओवर न्यूजीलैंड खेली है मुझे आपकी जीत तो नहीं नजर आ रही मुझे ज्यादा से ज्यादा ड्रॉ नजर आ रहा है क्या आप मैच बचा लोगे जीतना मुश्किल है ड्रॉ तो बोरिंग होता है आउटस्टैंडिंग खेलो नहीं खेल बोर ही हो गए ना अब आप बोर ही हो गए आप भाई बोरिंग होना बोर होना ज्यादा पसंद है कि जलील होना ज्यादा पसंद है

अपने ही गड्ढों में तुम्हारी कबर खोद दी अब मुझे ये बता दीजिए बीजीटी में आप बहुत पॉजिटिव रहिएगा पांच टेस्ट मैच में से क्या फाइनल स्कोर होगा इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया बीजीटी हां जी आप अगर प्रैक्टिकली स्पीकिंग जिस तरीके से आ, तीन बार आपने दो बार लगातार ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में पकड़ा है इस बार जिस तरीके से टीम चल रही है पता नहीं है कैसा करेंगे क्या करेंगे मुझे भरोसा नहीं आ रहा है

पॉजिटिविटी तो खैर भाड़ में जो अभी प्रैक्टिकल दिख रहा है सामने टू थ्री चलो आप ये भी दो मैच जीत एवरेज में रोकूंगा की बात नहीं है रियलिटी देख के चलते आज क्या लग रहा है बाद में आउटस्टैंडिंग खेले टीम इंडिया सुल्यूट है उनको हम भी चाह रहे हैं कि अच्छा खेले आज की बात करो कि आज जो ये टीम के हाल दिख रहे कितने मैच जीत जाओगे ऑस्ट्रेलिया में यार एक मैक्स मैक्स, मैक्स, मैक्स कह रहा हूं। दो मैक्स तो दो जीत जाओगे ऑस्ट्रेलिया में वो भी बड़ा मुझे, मुझे बड़ा मुश्किल लग एक 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 रहा है एक आप ऑस्ट्रेलिया में सकते हो आप ये बात भी आप चुभेगी बात बुरी लग सकती है बात जो हाल आपकी टीम के हैं जयसवाल अभी ऑस्ट्रेलिया गया नहीं है एक ऋषभ पंत के कंधों के ऊपर शुभमन गिल ठीक है अच्छा खेला था आपकी बोलिंग नहीं हो रही आज की डेट में ऑनेस्ट टू गॉड आपकी जो हालत है आप एक टेस्ट मैच जीतने के काबिल नहीं ऑस्ट्रेलिया में एक सिंगल वो कोई वहां पे आपको टेस्ट मैच गिफ्ट करने के लिए नहीं बैठे हुए तो आओ जी हिंदुस्तानी हो ले जाओ टेस्ट मैच आपको ऑस्ट्रेलिया की धरती पे हर टेस्ट मैच एंड तक लड़के जीता है आपने हमेशा आप छत्तीस अगले मैच में जिनके राया तीसरा मैच ड्रॉ हुआ चौथा मैच एपिक मैचा में लास्ट दिन के लास्ट घंटे तक चला गया जाके जीता ऋषभ पंत खेल रहा है वाशी के साथ वाशी आउट हो गया टेन्टर आ गया एंड में जाके जीते लड़ झगड़ के पूरी जान छोक के सारे मेन प्लेयर बाहर हो गए रिजर्व पर रिजर्व पूरी जान लगा दी थी ऑस्ट्रेलिया को कभी आप ये नहीं बोल सकते हल्का टेस्ट मैच दे देंगे तो hmm. आसानी तीन -तीन दिन दिन hmm. से टेस्ट मैच जीती नहीं जब तक आप डिजर्व ना करो जीतना जब तक आप उनसे हलक में से ना निकालो टेस्ट मैच आपकी हार लग रहे हैं आप तो और उल्टा हार ना जाओ कहीं जीता हुआ सिचुएशन एक टेस्ट मैच जीतने के काबिल नहीं लग रहे आप एक टेस्ट मैच सिंगल हम थ्री टू की बातें कर रहे थे वो न्यूजीलैंड से पहले बातें कर रहे थे न्यूजीलैंड आएगा हम उनको तीन में से दो तो हरा ही देंगे उसके बाद हम ऑस्ट्रेलिया जाएंगे फिर हम तीन दो चलो हार भी गए तीन दो, दो जीत जाएंगे दो या तीन दो से जीत सकते हैं आज की डेट में तो आप ड्रॉ करा लो तो मुझे लग रहा है बहुत बढ़िया एक टेस्ट मैच जीतने के काबिल नहीं हो आज की डेट में आप ये आपका एक्सपीरियंस भी नहीं है ना बहुत प्लेयर्स तो पहली बार जाएंगे और ये लेकर अब हम बोले वहां पे विराट कोहली जी मिरेकल कर देंगे वो जबरदस्त कैसे मैं मान लू कि वो जबरदस्ती वो कर सकता है

बिल्कुल भी नहीं पिछले आठ उसके बाद हाल हाल। दोनों सीनियर्स की बैटिंग हो नहीं रही देकर ऋषभ पंत ने रन बना लिया तो बना लिया जयसवाल ऊपर से जाए तो कर खेला है थोड़ा गिल और ऋषभ पंत ही आपको वहां पे बचाते आएंगे क्या पे अगर रोहित है ना विराटली और गिल की एवरेज है भूल जाओ रोहित विराट मोहित कोई उम्मीद नहीं है वाकई में कोई उम्मीद नहीं जैसी बैटिंग हो रही है सिचुएशन लग रही है जा... आप गंभीर साहब के के आने के बाद होपलेस अच्छा एक बार डब्ल्यू डीसी का वो एक बार दिखाइएगा मैं ये पूछना चाहता हूँ हम साउथ अफ्रीका इंडिया ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहे हैं क्या न्यूजीलैंड का कोई चांस नहीं है नहीं न्यूजीलैंड बाहर क्या श्रीलंका का को कोई चांस नहीं है श्रीलंका का है बट श्रीलंका को फिर ऑस्ट्रेलिया को पड़ेगा ऑस्ट्रेलिया भी और साउथ अफ्रीका भी

इंग्लैंड को तो आज पाकिस्तान दो हरा रही है दो जीरो हरा दिया इंग्लैंड को इंडिया ने चार हरा दिए अब न्यूजीलैंड से अगर होगा तो न्यूजीलैंड तीन जीरो भी मार सकते भाई न्यूजीलैंड लास्ट वाला मैच अगर जीत जीतगी इंडिया से पूरा पूरा चांस है उनका यार अभी बता, लेकिन अभी मुश्किल है बहुत चार लगातार टेस्ट मैच जीतना भी मुश्किल है इंग्लैंड आएगी कोई ड्रॉ हो जाए कोई बारिश हो जाए न्यूजीलैंड में भी तो वैसे जब स्ट्रीक चलती है ना आपकी बारह साल से चल रही थी जब स्ट्रीक चलती है तो ऐसी ही चलती है जब इंडिया में ये लोग दो इंडिया को हरा सकते हैं तीसरा भी मुझे आप ड्रॉ की उम्मीद लग रही है बैटिंग तो होनी ड्रॉ हो से करवा लोगे आप यार से पांच द्राकि... दिन में आप पांच दिन के चौथे दिन कोई गेम गया है वो वाला तीन दिन में खत्म हो गया था ये तीन दिन में खत्म हो गया तो मुझे तो ड्रॉ की भी उम्मीद नहीं है या तो जीत है या हार है आप अभी, लाएं अभी ये ये दो रिजल्ट मुझे जो है वो अभी बता टेस्ट मैच के दिख रहे हैं अगर न्यूजीलैंड जीत गई तीसरा तो कोई बड़ी बात नहीं है इनके भी फिर चांसेस रहेंगे देखो भाई इंग्लैंड को लग रहा है इंडिया ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका इन तीन में न्यूजीलैंड डार्क हॉस है कि न्यूजीलैंड अगर आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेल के इंडिया को तीसरा भी टेस्ट मैच हरा दे व्हाइट वॉश ही कर दे और फिर इंग्लैंड को आके तीनों टेस्ट मैच में फेल पेल सकती है भाई जब पाकिस्तान ने हरा दिया तो ये भी हरा सकते हैं हालांकि वो इतने स्पिनिंग ट्रैक वगैरह नहीं है लेकिन कर सकती है न्यूजीलैंड भाई इंडिया को इंडिया में आके हराना मजाक नहीं है अच्छा एक सेकंड अभी न्यूजीलैंड के पॉइंट्स है सिक्सटी अगर ये चारों जीत जाते हैं तो इनके पॉइंट्स हो जाएंगे यहां से एक सौ आठ चार में बारह पॉइंट मिलते हैं आपको तो एक सौ आठ पॉइंट हो जाएंगे और न्यूजीलैंड उस समय पे अगर आप मैं देखूं तो चौदह मैच ये खेल चुके होंगे न्यूजीलैंड के परसेंटेज परसेंटेज हो जाएगा न्यूजीलैंड क्वालिफाई कर सकता है उस केस में अगर इंडिया बीजेटी वहां पर हार जाए और फिर साउथ अफ्रीका एक मैच हार जाए न्यूजीलैंड का चांस है पूरा पूरा इनको यहाँ से सारे मैच जीतने होंगे मतलब इंडिया को व्हाइट वॉश करना होगा और फिर इंग्लैंड को व्हाइट वॉश करना होगा अपने घर पे तो न्यूजीलैंड भी अभी भी प्रैक्टिकली स्पीकिंग ये सीरीज का रिजल्ट आने के बाद गेम में आ चुका है अभी भी अगर ये आखिरी मैच में इंडिया को हरा देते हैं तो इनका पूरा पूरा चांस है ये वहां पर अपने घर पे इंग्लैंड को हराए और फिर उसके बाद ये होप करें कि साउथ अफ्रीका एक मैच हार जाए अपना बचे हुए मैचेस में से और फिर ऑस्ट्रेलिया इंडिया का जो सी, सीरीज चलेगा वहां पर श्रीलंका भी है श्रीलंका को हम क्या श्रीलंका श्रीलंका इंग्लैंड में जीत गई श्रीलंका अपने घर में क्या नहीं नहीं वो सारे नहीं जीतेगी श्रीलंका बड़ा मुश्किल है लेकिन न्यूजीलैंड कैन बी द डार्क हॉर्स न्यूजीलैंड आ सकती है साउथ अफ्रीका आ सकती है ऑस्ट्रेलिया तो है ही है इंडिया तो है ही है लेकिन जिस तरीके से हम हारना शुरू कर दिया है ना बताओ लास्ट मोमेंट में जाके हारने लग गए तो मुश्किल में पड़ जाएगा डब्ल्यू डी सी